जन सरोकार मंच एक सम्माननीय मंच है, मुझे इससे जुड़कर बहुत खुशी हुई। इसके जो आयोजक हैं देवेंद्र जोशी जी, मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे अपना काव्य पाठ करने का मौका दिया। आशा करती हूँ आप लोग भी इस मंच से जुड़ना चाहेंगे। सारगर्भित मंच है ये, नवांकुर का आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है ये मंच। ऐसे मंच से जुड़कर नए कवियों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, इसलिए आप लोग भी इस मंच से जुड़िए। और अगर आप भी रुचि रखते हैं कविता में, गज़ल, गीत, तो आप ज़रूर साहित्य से संबंधित किसी भी विषय में, तो आप इस मंच से ज़रूर जुड़िए। स्वागत है कृतिका शर्मा, मुझे लाइव सुनने के लिए धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, पहले एक बार कमेंट करके बता दीजिए। देवेंद्र जोशी जी का आने का इंतज़ार है, उनके आते ही मैं अपना काव्य पाठ शुरू कर दूंगी। स्वागत है देव कुमार भाई साहब आपका इस मंच पर। कुछ लोग और जुड़ जाएं फिर मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। मैं भी इस मंच से अभी नई नई जुड़ी हूँ, पर जितना भी मैं इस मंच के बारे में जानती हूँ, मुझे ये मंच बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आमंत्रण स्वीकार किया और काव्य पाठ के लिए हाजिर हुई। सुमन वर्मा जी, स्वागत है आपका। देवेंद्र जोशी जी भी आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ इस मंच से जोड़ने के लिए। रचना दीदी, आपका विशेष आभार, आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और हाजिर हुए आप मुझे सुनने के लिए। आप अनुमति दें तो मैं काव्य पाठ शुरू करूं अपना। देवेंद्र जोशी जी से निवेदन है कि वह मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। मुझे किसी के कमेंट शो नहीं हो रहे, इसलिए मुझे पता नहीं लग रहा कि अभी आप लोग मुझे ढंग से सुन पा रहे हैं या नहीं, मुझे स्पष्ट देख पा रहे हैं या नहीं।
हिमलता जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। एक बार आप मुझे बता दीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। कमेंट्स कीजिए तो मुझे पता चले, मुझे दिखाई नहीं दे रहे कमेंट्स किसी के भी। शिल्पी कुलदीप उपाध्याय जी आपका भी स्वागत है। देवेंद्र जोशी जी से निवेदन है कि एक बार मुझे अनुमति दें तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। मुझे किसी के भी कमेंट शो नहीं कर रहे। नमस्कार आप सभी का। मुझे लगता है मुझे एक बार वापस इसे कट करके जोड़ना पड़ेगा, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए अब मुझे कमेंट्स दिखाई दे गए, मैं प्रोग्राम शुरू करती हूँ। जन सरोकार मंच टोंक के प्रांगण में मैं श्रीमती गीता लखवाल आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ और अपना कविता पाठ शुरू करती हूँ। माँ सर शारदे को नमन करते हुए चार पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। पधारो शारदे माँ तुम सुरीले गीत लिख पाऊं, सजा कर भाव की मोती उन्हें फिर गुनगुना जाऊं। पधारो शारदे माँ तुम सुरीले गीत लिख पाऊं, सजा कर भाव की मोती उन्हें फिर गुनगुना जाऊं। रहेगा साथ जो तेरा, सजेगा गीत हर मेरा, बसो माँ कंठ में ऐसे कि ये महफिल सजा पाऊं। बसो माँ कंठ में ऐसे कि ये महफिल सजा पाऊं। माँ शारदे को नमन करते हुए अब मैं अपना प्रोग्राम आगे शुरू करती हूँ, अपना काव्य पाठ, और आपसे जुड़ती हूँ एक बसंत के गीत से। पंख फैला कर धरती ने श्रृंगार किया, खिल उठा कानन का मन फिर ते सुखिल अंगार हुआ, ते सुखिल अंगार हुआ। सरसों खिली अमवा बोराई, सरसों खिली अमवा बोराई, मयूरा देख के नाच उठा, कुंज कुंज कलिया गदराई, यौवन का भास हुआ। हंस हंस कर फूलों ने फिर, हंस हंस कर फूलों ने फिर सबको अपना प्यार दिया। आया बसंत पंख फैला कर धरती ने श्रृंगार किया, सागर बहका नदियां बहकी, सागर बहका नदियां बहकी, झरना झर झर बह रहा, डाली बैठ कोयलिया चहकी, गुंजित सारा गगन हुआ। मानो इंद्र धनुष ने आकर सबका रंग निखार दिया। आया बसंत पंख फैला कर धरती ने श्रृंगार किया, प्रीत भरा मौसम है आया, ली मौसम ने अंगड़ाई, बिन तेरे सुना सब लागे, आ जाओ तुम हर जाई। मधुपने भी तो तुम देखो,
भ्रमर ने भी तो तुम देखो कलियों का रस पान किया। आया बसंत पंख फैला कर धरती ने श्रृंगार किया, धरती ने श्रृंगार किया, धरती ने श्रृंगार किया। धन्यवाद रचना दीदी। मधु दीदी आपका स्वागत है और बहुत बहुत आभार आप आए। सुप्रीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुना। और अब मैं, जैसा कि कहा जाता है कि मालिक या जमींदार, ये एक बड़ी इमारत है, तो इनका जो मजदूर क्या है, नींव। और ये अगर सुशोभित तन करते हैं तो मजदूर जीव है। और आप सभी जानते हैं कि आज मजदूर की हालत इस वैश्विक महामारी के अंदर किस तरह से बिगड़ी है, किस तरह से उनका हौसला टूटा है। तो उनके हौसले के टूटने पर मैंने एक गीत लिखा है। उस गीत को मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। हौसला जिंदा रहे कैसे भला मजदूर का, चल रहा जो अग्नि पथ पर दीन उस मजबूर का। हौसला जिंदा रहे कैसे भला मजदूर का, चल रहा जो अग्नि पथ पर दीन उस मजबूर का। सावित्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। है बड़ा मुश्किल मगर चलना है उसको रात दिन, है बड़ा मुश्किल मगर चलना है उसको रात दिन। पाँव में छाले पड़े या तन रहे कपड़ों के बिन, पाँव में छाले पड़े या तन रहे कपड़ों के बिन। आज भोजन मिल नहीं पाता जिसे दस्तूर का, हौसला जिंदा रहे कैसे भला मजदूर का, चल रहा जो अग्नि पथ पर दीन उस मजबूर का। सीख बचपन से मिली संघर्ष ही जीवन सदा, सीख बचपन से मिली संघर्ष ही जीवन सदा। ठोकरों में पल रहा है बोझ से वो है लदा, ठोकरों में पल रहा है बोझ से वो है लदा। कौन देखे दर्द इनके दिल के इस नासूर का, हौसला जिंदा रहे कैसे भला मजदूर का, चल रहा जो अग्नि पथ पर दीन उस मजबूर का। छोड़ आए गाँव वो थे धन कमाने के लिए, छोड़ आए गाँव वो थे धन कमाने के लिए। चल दिए वो गाँव फिर से ना लौट आने के लिए, चल दिए वो गाँव फिर ना लौट आने के लिए। फैसला अब कर लिया, फैसला अब कर लिया,
दिल से ना मंजूर का हौसला जिंदा रहे, कैसे भला मजदूर का चल रहा जो अग्नि पथ पर दीन उस मजबूर का। ले चले गृहस्थी को सर पे हर कदम बढ़ते हुए, ले चले गृहस्थी को सर पे हर कदम बढ़ते हुए, बीतते अब जा रहे दिन भूख से लड़ते हुए, बीतते अब जा रहे दिन भूख से लड़ते हुए, हर कदम खतरा बना है अब कोरोना क्रूर का, हौसला जिंदा रहे कैसे भला मजदूर का, चल रहा जो अग्नि पथ पर दीन उस मजबूर का। क्यों शहर की रोशनी के हम भरम में आ गए, क्यों शहर की रोशनी के हम भरम में आ गए, कोसते तकदीर को है जब अंधेरे छा गए, कोसते तकदीर को है जब अंधेरे छा गए, धूप तपती में जलातन, धूप तपती में जलातन लग रहा तंदूर का, हौसला जिंदा रहे कैसे भला मजदूर का, चल रहा जो अग्नि पथ पर दीन उस मजबूर का। रामस्वरूप वर्मा जी, आपका स्वागत है, और आपने मेरी इस गीत को पसंद किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरशद अब्दुल हमीद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने इस गीत को बहुत पसंद किया, धन्यवाद आपका। डिंपल अकवाल, आपका भी आभार। अब मैं अब कुछ मुक्तक आपके सामने रखती हूँ प्रेम पर। पड़े जो प्यार में हम तो जमाना भूल जाते हैं, पड़े जो प्यार में हम तो जमाना भूल जाते हैं, कहाँ बैठे हुए हैं हम ठिकाना भूल जाते हैं, कभी रोते हुए दिखते कभी हंसते हुए दिखते, कभी रोते हुए दिखते कभी हंसते हुए दिखते, नया किरदार मिलते ही पुराना भूल जाते हैं, नया किरदार मिलते ही पुराना भूल जाते हैं। बाऊजी चरण स्पर्श, आपने मेरे काव्य पाठ के लिए आप प्रस्तुति आप हाजिर हुए इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक मुक्तक और रखती हूँ। बसाएं प्रेम हर दिल में, सजाएं प्रेम हर दिल में, बसाएं प्रेम हर दिल में, सजाएं प्रेम हर दिल में, मिटाएं नफरतें सारी बना बैठी जो घर दिल में, कि क्यों करते फर्क यारों अमीरी और गरीबी में, कि क्यों करते फर्क यारों अमीरी और गरीबी में, जब कोई भेद न करती प्रेम की टगर दिल, जब कोई भेद न करती प्रेम की टगर दिल। तो मुझे लगता है कि प्रेम शाश्वत है, प्रेम अमर है, तो प्रेम पर एक गज़ल होना स्वाभाविक है। तो मुझे एक प्रेम पर एक गज़ल आप सभी के समक्ष रखती हूँ। संजय गुप्ता भाई साहब, आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद कि आप मेरा काव्य पाठ सुनने के लिए हाजिर हुए और पसंद करने के लिए दिल से आभार, शुक्रिया। मोहब्बत पर एक गज़ल पेशे खिदमत है। बात नफरत भरी ना किया कीजिए, बात नफरत भरी ना किया कीजिए, हो सके तो
मोहब्बत किया कीजिए, हो सके तो मोहब्बत किया कीजिए। गैर हम तो नहीं आपका प्यार है, गैर हम तो नहीं आपका प्यार है, फिर नहीं आप ऐसे जुदा कीजिए। बात नफरत भरी ना किया कीजिए, हो सके तो मोहब्बत किया कीजिए। भूल क्यों तुम गए आज वादे सनम, भूल क्यों तुम गए आज वादे सनम, बात से तुम कभी ना फिरा कीजिए। बात नफरत भरी ना किया कीजिए, हो सके तो मोहब्बत किया कीजिए। हाथ पकड़ा मेरा था कभी प्यार से, हाथ पकड़ा मेरा था कभी प्यार से, फिर छुड़ा हाथ तुम ना दगा कीजिए। बात नफरत भरी ना किया कीजिए, हो सके तो मोहब्बत किया कीजिए। चाहते हो अगर तुम जरा भी हमें, चाहते हो अगर तुम जरा भी हमें, तो जफा छोड़ कर तुम वफा कीजिए, तो जफा छोड़ कर तुम वफा कीजिए। बात नफरत भरी ना किया कीजिए, हो सके तो मोहब्बत किया कीजिए। धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे सुनाने में मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है, आभार काव्य पाठ सुनने के लिए, आने के लिए। सौरभ लकवाल, बहुत बहुत आभार, पसंद करने के लिए आप सभी का विशेष आभार। जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि स्वदेशी अपनाइए, देश के अंदर बड़ा चल रहा है कि चीन और ये सबसे हम माल खरीद रहे हैं, इसकी वजह से हमें काफ़ी वो हो रहा है, तो मैंने स्वदेशी अपनाने के ऊपर भी एक गीत लिखा है। गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ, आप अगर पसंद करते हैं तो एक बार थम करके मुझे बताइए, तो मैं स्वदेशी पर एक गीत रखूँ आप सभी के समक्ष। आपका कमेंट आएगा तभी मैं गीत प्रस्तुति दूंगी। या आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं तो आप लोग बताइए कि किस विषय पर सुनाऊं मैं। धन्यवाद भाई साहब, रखती हूँ स्वदेशी पर एक गीत आप सभी के समक्ष। करना कर साकार ये सपना विश्व गुरु बन जाने का, तो सब मिलकर वचन लीजिए देशी को अपनाने का, तो सब मिलकर वचन लीजिए। करना कर साकार है सपना विश्व गुरु बन जाने का, तो सब मिलकर वचन लीजिए देशी को अपनाने का। तन स्वदेशी, मन स्वदेशी और वसन स्वदेशी हो, तन स्वदेशी, मन स्वदेशी और वसन स्वदेशी हो, छोड़ वतन को तब कफन स्वदेशी हो। आए फिर ना कभी भी मौका हमको कुछ पछताने का, तो सब मिलकर वचन लीजिए देशी को अपनाने का, तो सब मिलकर वचन लीजिए
देशी को अपनाने का, बेहतर माल बनाकर सबसे अपना ही व्यापार करें, बेहतर माल बनाकर सबसे अपना ही व्यापार करें, अपनी बेहतर गुणवत्ता का हम मिलकर प्रचार करें, परदेशों में बेच के इसको मौका धन कमाने का, कर नगर साकार ये सपना विश्व गुरु बन जाने का, तो सब मिलकर वचन लीजिए देशी को अपनाने का। बुद्धि बल में भारत देखो नहीं किसी से कम रहा, बुद्धि बल में भारत देखो नहीं किसी से कम रहा, बोली भाषा कला संस्कृति में सदा आगे रहा, अपने घर में सब मिल फिर क्यों औरों के घर जाने का, तो सब मिलकर वचन लीजिए देशी को अपनाने का, कर नगर साकार ये सपना विश्व गुरु बन जाने का, तो सब मिलकर वचन लीजिए देशी को अपनाने का। धन्यवाद मधु दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फैबुलस, थैंक यू सो मच। ज्ञान सिंह कालावत जी, आपका स्वागत है, आपने पसंद किया इसके लिए आपका आभार, थैंक यू सो मच। आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मुझे सुनाने में भी बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं कि मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद संजय गुप्ता भाई साहब आपका। डॉक्टर प्रियंका लकवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच पसंद करने के लिए। अब आप लोग भी बताइए, कुछ अलग सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ अलग प्रस्तुति दूं, या मैं अपने सुनाती रहूं। चलिए देश की बात करते हैं, वतन पर कुछ रखती हूँ आप सभी के समक्ष। रचना दीदी, आपका हार्दिक आभार। रामस्वरूप भैया, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे, आप मेरे लाइव को सुनने के लिए आए। अकल्प, विशेष आभार, स्वागत है इस मंच पर। सावित्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला मेरे लिए। देव कुमार भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो एक, आप कहें तो वतन पर सुनाऊं या फिर कुछ दोहे रखती हूँ आपके समक्ष, अगर आप चाहें तो। थोड़ा सा हंस लेते हैं, चलिए कुछ दोहे ही सुना देती हूँ। थैंक यू सो मच। हास्य और व्यंग भी है कुछ दोहों में, आप सभी के समक्ष रखती हूँ कुछ दोहे। सौतन टीवी बन गई, चिपक रहे भरता। अक्सर देखा जाता है घर में, पत्नी अक्सर दुखी है कि वो टीवी में ही घुसे रहते हैं, तो इसी पर मैंने एक दोहा लिखा है, ये आप सुनिएगा। सौतन टीवी बन गई, चिपक रहे भरता, पल भर भी छूटे नहीं इतना उससे प्यार, ब्याह कर लाए क्यों घुसे जो टीवी में यूं, ब्याह कर लाए ही क्यों घुसे जो टीवी में यूं। अब कोरोना के अंदर सब घर के अंदर बंद है, तो स्पेशली मर्दों के लिए यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इस पर भी एक मैंने दोहा लिखा है, रखती हूँ आप सभी के समक्ष। बाहर जाना बंद है, घर में होता बोर। बाहर जाना बंद है, घर में होता बोर।
बीवी बच्चों के सिवा नजर ना आता और, बीवी बच्चों के सिवा नजर ना आता और, की न दिखती अब कोई रीता, कब तक पढ़ूं मैं गीता, कि नहीं कोई दिखती रीता, कि कब तक पढ़ूं मैं गीता। टिकटॉक का भी बहुत चलन रहा है अभी, उस पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन उससे पहले तो टिकटॉक बहुत ज़्यादा चला है, तो टिकटॉक पर भी एक दो। हाँ, टिकटॉक का रंग चढ़ा मेरे भी घर खूब, टिकटॉक का रंग चढ़ा मेरे भी घर खूब, अभिनय अब करने लगे मेरे भी महबूब, कि अब वो रोज सवरते अनेकों रूप में दिखते, कि अब वो रोज सवरते अनेकों रूप में दिखते। घरवाली के खर्चों से पति बहुत परेशान होते हैं अक्सर, और सच भी है, कितना भी हो उनके पास पर उनको हमेशा कमी दिखाई देती है। तो इस पर भी एक दोहा आप सभी के समक्ष दुमदार दोहा रखती हूँ। घरवाली ऐसी मिले नखरे करे हजार, घरवाली ऐसी मिले नखरे करे हजार, अलमारी कपड़े भरे पर ना उससे पार, कि हर दिन शॉपिंग करती, कि हर दिन शॉपिंग करती, फिर भी कमी है खलती। जी हाँ, मैं अपने पर ही सुना रही हूँ सावित्री जी, बिल्कुल बहुत खर्चा करती हूँ मैं भी। जी जी, आपका भी बेहद स्वागत है, आभार है, धन्यवाद, अभिनंदन आप मुझसे जुड़े मेरा काव्य पाठ सुनने के लिए। अगला दोहा, जो अभी लॉकडाउन के अंदर मोदी जी ने कहा था कि दिया जलाइए और घंटी बजाइए, इस पर एक दोहा मैंने लिखा था मोदी जी की, एक व्यंग भरा दोहा है, आप सुनिएगा। मोदी जी की बात का कितना करते मान, मोदी जी की बात का कितना करते मान, चौखट पर दिया जला आतिश करे महान, कि इनकी सबकी जय हो, कि ज्ञानी बहुत बड़े हो, कि इनकी सबकी जय हो, कि ज्ञानी बहुत बड़े हो। फगुनाई जो आ गई बूढ़े हुए जवान, होली में सब बुढ़ापा भी भूल जाते हैं अपना। फगुनाई जो आ गई बूढ़े हुए जवान, रंग दे चूनर नार की चाहे हाथ न जान, की ठूट भी हरा हुआ है रंग उसका भी निखरा है, कि ठूट भी हरा हुआ है रंग उसका निखरा है। धन्यवाद संजय गुप्ता भाई साहब। जन सरोकार मंच के बारे में, सामाजिक अन्याय के बारे में, जी अभी मेरे पास फिलहाल कुछ लिखा हुआ सामने नहीं है, अगली बार जरूर जब भी लाइव आऊँगी मैं पक्का आपके सामाजिक अन्याय के बारे में आप सभी के समक्ष रखूँगी। इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लिखा हुआ है लेकिन अभी मेरे सामने नहीं रखा हुआ, इसलिए मैं अभी आपको नहीं सुना पाऊँगी, क्षमा चाहती हूँ। देश पर्यावरण पर आते हैं, देश की यह भी एक समस्या है, इसके पर भी हम एक इतने वन इतने पॉल्यूशन, हमारे प्रदूषण इतना अधिक हो गया है जिसके कारण आज हम इस स्थिति में हैं, एक घोर विनाश की स्थिति हमारे समक्ष है। तो मैंने सिंपल सी बात है कि जानते भी हैं कि कितने परिंदों का घर उजड़ जाता है जब एक पीपल एक बरगद काट दिया जाता है। और जहाँ तक विकास की बात है, कहते हैं कि हमारा देश बहुत विकास कर रहा है, तो विकास की बात पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हर नज़र में झुलसा एक शजर है, कि हर नज़र में झुलसा एक शजर है, यही मेरे देश की विकास की खबर है, यही मेरे देश की विकास की खबर है। अब कुछ पंक्तियाँ मैं रखती हूँ आप सभी के समक्ष इस पर्यावरण के प्रदूषण के ऊपर, कि खोल कर इस आबो हवा में
रात दिन काला जहर, कि घोल कर इस आबो हवा में रात दिन काला जहर, कहता है सांस भी लेना मुश्किल अब सांस पर, कहता है सांस भी लेना मुश्किल अब सांस पर। नित नष्ट कर रहा ओजोन की मोटी परत, इंसान ही तो इस परत को खराब कर रहा है। नित नष्ट कर रहा ओजोन की मोटी परत, फिर रोता क्यों दोपहर से तपती चांदनी जब रात भर, फिर रोता क्यों दोपहर से तपती चांदनी जब रात भर। बनाया तूने ही तो धरा को मरुथल घने वन काट कर, तेरा ये होगा हर्ष क्या तुझे नहीं थी खबर। चाव तो तुझे ही चढ़ा था मशीनी दौड़ लाने का, अब क्यों भाग रहा काला साया छाया देखकर। मौत को बुला सैम बचने की तू सोच रहा, क्या बच पाएगा जरे जरे में घुल गया जो जहर। तो सुन, अभी भी रोक ले करना प्रकृति से अत्याचार, वरना हर तरफ होंगे शमशान, नहीं दिखेगा कोई डगर। तो मेरा सबसे आप सभी से अनुरोध है कि गुजरो जब किसी भी वन उपवन के आगे से तो उसे उजाड़ने की बात ना करना, कि गुजरो जब किसी भी वन उपवन के आगे से तो उसे उजाड़ने की बात न करना। वो कोयल की चहक, वो चंदन की महक की खातिर ही सही, वन को वन और उपवन को उपवन रहने देना। और ऐसा नहीं हुआ तो आप जानते हैं, जमी पर बहारों को लाना पड़ेगा, गुलों को चमन में उगाना पड़ेगा। जमी पर बहारों को लाना पड़ेगा, गुलों को चमन में उगाना पड़ेगा। बहारें खिजा में बदलने लगी है, नमी को धरा में मिलाना पड़ेगा। मुझे लगता है समय हो चुका है। आप बताएं तो मैं सुनाऊं या विदा लेती हूं आप लोगों से। देवेंद्र जोशी जी, कुछ सुना है या मैं अब विदा लूं क्योंकि समय हो चला है। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, एक दो और सुना सकते हूँ। अच्छा जी, आप कहते हैं तो बिल्कुल सुनाती हूँ, एक पैरोडी रखती हूँ आप सभी के समक्ष। हमारे देश की जल समस्या को लेकर प्रस्तुत करती हूँ, पानी पर है। एक दिन हो जाएगा पानी जग से गो, एक दिन हो जाएगा पानी जग से गो, जग में न पाएंगे मोती ये अनमोल, सूखी नदियाँ होंगी सूखी होंगी झील, सूखी नदियाँ होंगी सूखी होगी झील, तड़पे प्राणी होंगे बदलेगा भूगोल, एक दिन हो जाएगा पानी जग से गो, जग में न पाएंगे मोती ये अनमोल। ला 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 ला। थैंक यू डिम्पल अकवाल, पता है मुझे तुम्हारा फेवरेट है ये। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी, आपका स्वागत है। कैलाश बड़ौदा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। ये मानो पानी कितना व्यर्थ गवाए, और बोले मेघ क्यों ना जल पर साए। ये मानो पानी कितना व्यर्थ गवाए, और बोले मेघ क्यों ना जल बरसाए,
ये पानी ये बरखा चारों ओर है सूखा, फिर कोई जल राजा जल कैसे बरसाए, तरम पम पानी ना यू गवा जान तो इसका वो। सुन ले यारा मेरे कीमत इसकी तो, वरना एक दिन हो जाएगा पानी जग से को, जग में ना पाएंगे मोती ये अनमोल। ला 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 ला। अभी मेरे पास ये गीत पूरा लिखा हुआ नहीं है, जितना मुझे याद आया मैंने उतना आप सभी के समक्ष रखा है। तो मैं अब आप सभी से विदा चाहती हूँ। आप सभी ने बहुत अच्छा सुना है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी इस मंच से जुड़ेंगे। बहुत अच्छा मंच है, सामान्य मंच है, आप सभी जुड़िए और आगे भी मैं इसी तरह से लाइव आती रहूँगी। धन्यवाद।